बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बनाए थे पैनकेक्स, और उसको आप पराठा भी कह सकते हैं। तो वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाए। तो इतने मैंने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, तो बच्चों को एप्पल चंक्स दिए, तो एप्पल चंक्स इतने बच्चे इंजॉय करते हैं। इतने देर में मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। मैंने 1 टेबलस्पून ऑनियन चॉप लिया है, और 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर लिया है, और 1 मैंने एग ले लिया है, और इसमें मैं 1 पिंच सॉल्ट डालूंगी और 1 पिंच ब्लैक पेपर डालूंगी, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डालना है मैदा। मैंने क्योंकि जस्ट एक ही पराठा बनाना है, 1 or 2 पराठा इनफ रहेगा, तो इसलिए मैंने इतने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आपने जितने बनाने हो आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो हमारा जो बैटर है वो ज़रा रनी होना चाहिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि बैटर जो है वो थोड़ा रनी हो जाए। आप इसके अंदर अपने चॉइस के मुताबिक सब्ज़ मिर्चें और चिली पाउडर वगैरह, जो आपको ऑलिव्स और टमाटर वगैरह जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, मैंने इसलिए नहीं ऐड किया, मैंने रेसिपी को सिंपल रखा है। अब हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उसको मैंने देसी घी से ग्रीस किया। बटर से भी कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि ये बनाया तो मैंने एक छोटा सा पैनकेक स्टाइल में बनाया है, और जो मैं अपने बड़े बच्चों के लिए बनाऊंगी वो मैंने पराठे की शक्ल में बनाया। तो जब ये एक साइड से हमारा कुक हो जाएगा, तो अब हमने इसको टर्न कर लेना है, और टर्न करने के बाद हमने इसको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और ये जब गोल्डन सा कलर दे देगा तो आपका ये पैनकेक तैयार हो जाएगा। आप इसको डिश आउट कर लें, शाम की चाय के साथ खाएं, बहुत यम्मी लगते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी तैयार होंगे, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।